अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा, इससे घबराना नहीं आपने। ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके, हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से, और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये मुश्किलात का वबशर साबरीन, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूट तुम्हें लगेगा फरिश्तों से और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज़ है ये 100 बार तकरीबन आया, सब्र का लफ्ज़ जो है कुरान में 100 बार आया। और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है कि ये सब्र करते थे, गम पे सब्र, बुरे रवैयों पे सब्र। सब्र का मतलब है बर्दाश्त कर जाते थे, लड़ाई नहीं की, बिला वजह फड्डे नहीं किए, सब्र कर गए, पी गए, गुस्से को पी जाने वाले बहुत पसंद है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बहुत पसंद है।